हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के एक और वीडियो में। आप सबने लोकी एपिसोड 1 और 2 तो जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो ये वीडियो आपके लिए स्पॉइलर है। खैर, जहां दोनों ही एपिसोड्स मजेदार थे और दोनों ही एपिसोड्स ने आगे के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा दी, जहां कुछ अमेजिंग मिस्ट्रीज को भी क्रिएट किया गया और कुछ का रीजन भी मिला। इन सब मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री ऐसी है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो हमें दिखाया गया लोकी एपिसोड 2 के एंड में, जहां फीमेल लोकी या फिर हम कहें लेडी लोकी ने कई सारे टाइमलाइंस को रीसेट चार्जर्स के थ्रू उड़ा दिया था, जो एक बेस्ट पार्ट था एपिसोड 2 का। तो गाइस, मैं हूं आरएस और आज मैं डिस्कस करूंगा उन टाइमलाइंस के बारे में जिन्हें फीमेल लोकी ने मोस्ट प्रोबेबली बॉम्ब किया है। सो गाइस, लेट्स बिगिन। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली, जहां दो ही एपिसोड देख के हमें पता चल गया कि कोई ऐसा है जो डिफरेंट टाइमलाइंस में ट्रैवल कर रहा है और टाइमलाइंस को खराब कर रहा है, जिसे रोकने के लिए टीवीए के एजेंट्स, जिन्हें हम मिनट मैन्स कहते हैं, वो उन टाइमलाइंस में जाते हैं और उन्हें सही करते हैं रीसेट चार्जर्स के थ्रू। पर कोई है जो सारे मिनट मैन्स को मार रहा है और सारे रीसेट चार्जर्स को चुरा रहा है। अब वो कौन है और वो रीसेट चार्जर्स को क्यों चुरा रहा है, इसका पता हमें एपिसोड 2 के लास्ट 20 मिनट्स में चला, जहां हमें फर्स्ट लुक मिला फीमेल लोकी का, या हम कह लें लेडी लोकी, खैर दोनों एक ही बात है, और इसी ने रीसेट चार्जर्स का यूज करके एक साथ कई सारे टाइमलाइंस को उड़ा दिया। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि इसने कौन से टाइमलाइंस को उड़ाया, तो इसका जवाब है सैक्रेट टाइमलाइंस। फीमेल लोकी ने सिर्फ सैक्रेट टाइमलाइंस को ही उड़ाया होगा, ताकि वो एक टाइप का क्योटिक मल्टीवर्स क्रिएट कर सके, जो हमें टीवी ऑफिस के स्क्रीन पे देखने को मिला, जिसमें कई अदर मल्टीवर्स प्लैनेट्स के साथ साथ अर्थ के कुछ कुछ हिस्से भी थे डिफरेंट ईयर्स के। तो ये सब जानने के बाद यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है, जब फीमेल लोकी ने सैक्रेट टाइमलाइंस को उड़ाया तो उससे कौन कौन से डिफरेंट फ्यूचर्स उसने क्रिएट कर दिए हैं। वैसे तो कई सारे हैं, पर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा। इसमें नंबर 1 पे है नेफेलहाइम। फीमेल लोकी ने पॉसिबली पूरे 9 रियाल्स को टारगेट किया था, जिसमें रियाल्म ऑफ नेफेलहाइम भी शामिल था। अगर हम कंसीडर करें नॉर्स मैथोलॉजी को, तो नेफेलहाइम एक ऐसी जगह है जो हेल से लिंक्ड है, पर एमसीयू में नेफेलहाइम वो जगह है जहां हेलाक को ओडिन ने कैद किया था, जिसका पता हमें थॉर रैग्नारोक में चला। सो परहैप्स फीमेल लोकी ने हेला का भी सामना किया होगा किसी और ही टाइमलाइन में, नेफेलहाइम में जा करके। नंबर 2, वॉर्मीर। अब वॉर्मीर कौन सी जगह है ये तो आप सबको पता ही होगा, वहीं जहां साउलस्टोन था। साउलस्टोन एक वेट जिसे पाने के लिए सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़ती, जहां लोगों ने खुद को इसके लिए सैक्रिफाइस किया, इन्फिनिटी वॉर में गमोरा और एंड गेम में नताशा ने। जैसा कि हमने टीवी की स्क्रीन पर देखा कि रीसेट चार्जर्स ने वॉरबीर को भी हिट किया है 23 अप्रैल 23001 में, जो काफी लंबे बाद का है, इवन गमोरा और नताशा के डेथ के काफी टाइम बाद का, और थानोस के साउलस्टोन डिस्ट्रॉय करने के बाद का भी। तो ये जरा सोचने वाली बात है कि फीमेल लोकी ने इस अटैक से किस टाइप का टाइमलाइन बनाया है। मे बी इसका जवाब हमें आगे के एपिसोड्स में मिले। नंबर 3, एसगार्ड। टीवी के ऑफिस में जब लोकी सारे केस फाइल्स को पढ़ रहा होता है, तब उसे रैग्नारोक के बारे में पता चलता है कि कैसे सर्टर ने एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर हम इस पॉइंट को देखें, तो फीमेल लोकी ने रीसेट चार्जर 16 फरवरी 2004 में लोकी को अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जानने से 7 इयर्स पहले का टाइम, यानी कि जब लोकी को ये पता चलता है कि वो एसगार्ड का नहीं बल्कि जोटनहाइम का है, जो एक्चुअली में एक फ्रॉस्ट जाइंट है। तो इस पॉइंट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एसगार्ड के टाइमलाइन में फीमेल लोकी ने लोकी का एक कोई और वेरिएंट क्रिएट किया होगा। ये सारी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें हम बाकी के बचे 4 एपिसोड्स में देखेंगे। नंबर 4, साकार। थॉर रैग्नारोक में हमने साकार प्लेनेट देखा, जहां हल्क वर्सेस थॉर फाइट हमें देखने को मिला। टायो स्टार सिस्टम में लोकेटेड ये प्लेनेट ट्रस प्लेनेट है, जिसपे ग्रैंड मास्टर रूल करता है। ये प्लेनेट काफी सारे वार्म होल से सराउंडेड है, जो लगातार स्पेस स्ट्रेस लाते रहते हैं। इसमें से एक वार्म होल है द डेविल एनस, यूनिवर्स के डिफरेंट लोकेशन से कनेक्टेड है। आपने लोकी एपिसोड 2 में देखा होगा कि टीवी के स्क्रीन पे 13 अगस्त 1984 में एक रीसेट चार्जर टायो में भी गिरा था। तो अगर ये रीसेट चार्जर एक्सीडेंटली डेविल एनएस वॉर्म होल में चला गया, तो पता नहीं यूनिवर्स के कौन से पार्ट को ये क्लियर कर देगा और एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा। नंबर 5, ईगो द लिविंग प्लैनेट। ईगो द लिविंग प्लैनेट के बारे में आप सब जानते ही होंगे, स्टार लॉर्ड का बायोलॉजिकल फादर। एंशिएंट सेलेस्टियल होने की वजह से ईगो को अपने सेलेस्टियल डीएनए को पास ऑन करना था, इसी वजह से उसने पूरे यूनिवर्स में घूम के उसने कई सारे बच्चे पैदा किए, पर किसी भी सेलेस्टियल ट्रेट्स नहीं मिले एक्सेप्ट स्टार लॉर्ड। इसी वजह से वो सबको मारता रहता है, जिसके बाद स्टार लॉर्ड ने इसे मार दिया। सो बाय टेकिंग दिस पॉइंट हम देखें तो फीमेल लोकी के थ्रू एक रीसेट चार्जर 27 दिसंबर 1832 में ईगो पर आके हिट हुआ, जहां एक टाइमलाइन क्रिएट हुआ जिसमें स्टार लॉर्ड कभी पैदा ही नहीं हुआ था। नंबर 6, टाइटन। टाइटन थानोस का होम प्लेनेट है। अब टाइटन प्लेनेट के साथ एक्चुअली में क्या हुआ, ये आप सबको इन्फिनिटी वॉर में पता चल ही गया होगा कि कैसे टाइटन प्लेनेट के लोग मारे गए थे और टाइटन प्लेनेट तबाह हो गया था। तो ये सब होने से पहले के टाइम में एक रीसेट चार्जर अक्टूबर 13, 1982 में आके हिट हुआ, जहां फीमेल लोकी ने स्पेशली थानोस को टारगेट किया था ताकि वो थानोस का मन बदल सके, जिसके बाद एक टाइमलाइन क्रिएट हुआ जिसमें थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कभी नहीं ढूंढा, जिसके बाद ना ही थानोस के थ्रू स्नैप वाला इंसिडेंट हुआ और ना ही लोकी मरा और ना ही इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय हुए। इस टाइमलाइन क्रिएट करने का मेन मोटिव था एक्चुअल टाइमलाइन वाला जो लोकी है वो कभी न मरे थानोस के हाथों। नंबर 7, हाला। होम प्लेनेट ऑफ क्री या क्री एम्पायर का कैपिटल, जिसे कैप्टन मार्वल में दिखाया गया है, जहां कैरोल डैनवर्स कई
सालों से थी अपनी मेमोरी खोने के बाद, जिसके बाद उसे क्रीस क्रल वॉर के लिए रिक्रूट किया गया। तो फीमेल लोकी का एक रिसेट चार्जर हाला पर भी आकर हिट हुआ जनवरी 354 CE में, यानी कि क्रीस क्रल वॉर शुरू होने से 1000 ईयर्स पहले। अब ये सब ऐसा क्यों हुआ, ये हमें बाकी के आने वाले 4 एपिसोड में पता चलेगा। नंबर 8, जोटनहाइम। इतने सारे रिसेट चार्जर्स में से एक रिसेट चार्जर लोकी के बर्थ प्लेस जोटनहाइम पे भी हिट हुआ। जोटनहाइम जो नाइन रियल्स में गिना जाता है और फ्रॉस्ट जायंट्स का घर भी है, और इस प्लेस पे रिसेट चार्जर्स हिट हुए किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, पर ये अभी अनक्लियर है कि जोटनहाइम में कौन से टाइम पे रिसेट चार्जर्स हिट हुआ है। अगर रिसेट चार्जर लोकी के बर्थ से पहले आया होगा तो ओरिजिनल लोकी के साथ साथ उसके बाकी के वेरियंट्स भी वाइप आउट हो जाएंगे। नंबर 9, अर्थ लोकेशंस। सारे जगहों में से फीमेल लोकी का स्पेशल टारगेट था अर्थ, क्योंकि यहाँ कई ऐसे नॉन अर्थ लोकेशंस हैं जो MCU में एस्टेब्लिश हैं, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो TVA के स्क्रीन पे दिखे हैं वो अर्थ पर ही हैं, जैसे कई मेजर सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, रोम, टोक्यो और भी कई सारे, मगर ये सब किसी भी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस डेट्स में अपियर नहीं हुए हैं। अब ऐसा क्यों है वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है फीमेल लोकी ने रैंडम केओस क्रिएट करने की कोशिश की है अर्थ पर। अब वो अर्थ की कौन कौन सी जगह है उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये लिस्ट है उन अर्थ लोकेशंस की जो TVA के स्क्रीन पे दिखी जहाँ रिसेट चार्जर्स हिट हुए थे। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो लोकी एपिसोड 2 से रिलेटेड। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले, शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के साथ साथ लोकी के भी दीवाने हैं, और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइज अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप अदर वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।